खुश रहो बेटा, जीती रहो। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, आनंदी तुमने अच्छा याद दिलाया। बैठो बैठो, ये देखिए। ये क्या है? अरे लाल बिहारी ही, ये देखो मैं तुम्हारे लिए इलाहाबाद से लाया था। ये क्या भैया? अरे डंबल है भाई। डंबल? हाँ भाई, विलायती है। अब देखना भैया, ऐसी सेहत बनाऊंगा कि बड़े से बड़ा पहलवान चित। बाबूजी, ये सिर्फ पहलवानी करेगा या कुछ और भी करेगा? अरे बेटा, तुम्हें दिमागी कसरत का शौक है और इसे जिस्मानी वर्जिश का है। भैया राम, आपको मेरे साथ वापस जाना ही होगा। आपके बिना ये अयोध्या सुनी सुनी है भैया राम। देखो भरत, फिर से इधर आओ, तुम इधर आओ। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अरे हमारी तो भगवान जी से विनती है कि हे भगवान, सबको श्रीकंठ जैसा बेटा दो। सो क्यों बुआ? अरे अंग्रेज बाबुओं जैसी पढ़ाई लिखाई, फिर भी धर्म कर्म में पूरी निष्ठा। वो तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, धर्म कर्म में चाव रखते हैं, पर हम स्त्रियों के दुश्मन काय बने रहते हैं। आय हाय, ऐसा? आप सब तो जानते हो हमारे घर में आए दिन कलह होती रहती है। और चुन्नू के बाबा तो चूल्हा चौका अलग करने पर राजी हो गए थे, पर श्रीकंठ लल्ला ने आके ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा भाषण पिलाया, सारे घर की रोटी सेको। अरे बहन, पूरा कुटुंब मिलजुल कर साथ में रहे, इसके बड़े पक्षपाती हैं ये। अरे हमने अपनी आँखों से देखा, हमारे पड़ोस में रहता है तिलक चंद। अरे जमीन जायदाद को लेकर भाई भाई में बंटवारा हो गया। अरे मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच गया। इन्होंने बीच में आकर सुलह कराई, मामला सुलझाया, तब जाके मामला सुलझा। हाँ, पर जानती हो इनका ये मानना है कि परिवार में फूट और बंटवारा स्त्री करवाती है। अरे बड़ा विचित्र तर्क है, पर इनकी स्त्री तो कुछ और ही कहती है। क्या? एक दिन की बात है, मैं हवेली गई थी किसी काम से। हाँ, तो बात बात में यही बात निकल पड़ी, तो आनंदी कहने लगी, अरे भाई इतना सहने और तरह देने के बाद भी संग निर्वाह न हो तो रोज रोज की खिचकी से अच्छा है अपनी खिचड़ी बाहर पकाई जाए। ऐसा कौन भी? हाँ। अरे एक दिन तो आनंदी मुझसे भी कहने लगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वो तो सही है, घर टूटने का दोष सिर्फ स्त्रियों पर मरना उनकी भारी नाइंसाफी है। अरे मैं तो कहती हूँ कि बड़े भगवान है श्रीकंठ लल्ला कि आनंदी जैसी रूपवान और गुणवान बहू मिली, दुल्हन मिली। हाँ ठीक है भैया राम, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मुझे ये खड़ा हो गए तो भैया राम, मैं आपकी निशानी लेकर यह अयोध्या जाऊंगा और इसे राज सिंहासन पर रखकर मैं सारे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। और ये हमेशा सोचूंगा कि भैया राम मेरे सामने ही है। भैया लावे बीड़ी पिला। अरे दद्दा देखेंगे तो फिर डांट पड़ेगी तेरे को। अबे कोई नहीं आ रहा, हटा देना। अरे पहलवान लोग बीड़ी नहीं पिया करते, दूध दही खाया करते हैं, और वैसे ही बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है। अबे पहलवान तू है कि मैं उस्ताद? वाह, क्या धोबी पछाड़ मारा था तुमने। अरे नूरपुर का पहलवान तो चित, और वहाँ की जनता को तो मानो सांप सूंघ गया हो। ओए दद्दा, राम दद्दा पाए लगे। क्यों भाई, सब कुशल मंगल? हाँ दद्दा, सब कुशल मंगल। और बापू कैसे हैं? दद्दा सब दया है आपकी बस। तुमने कुछ काम धंधा शुरू किया नहीं किया? वो दद्दा जल्दी ही शुरू करूंगा। देखो तुम घर के बड़े लड़के हो, समझदार हो, जल्दी काम शुरू करो। जी दद्दा, जल्दी शुरू करूंगा। और क्यों घर नहीं आना आज? आप चलिए। हाँ मैं तो चलता हूँ। प्रणाम दद्दा। प्रणाम। आप कल सुबह फिर चले जाएंगे?
नौकरी है आनंदी, जाना ही पड़ेगा। घर के हालात तो तुम्हें पता ही है, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही है, घर भी तो चलाना है। आज 12 तारीख है और आप फिर वही 18 को आएंगे। एक काम करो, मेरे साथ इलाहाबाद चलो, हम दोनों वहां साथ साथ रहेंगे, फिर शनिवार के शनिवार गांव आ जाया करेंगे। आपको भी बस मस्करी सूझती है, हम कैसे आएंगे इलाहाबाद? तो इसमें क्या दिक्कत है? सीता जी भी तो भगवान राम के साथ गई थी, वो भी वनवास पर। हम तो बस प्रयाग जी तक साथ चलने को कह रहे हैं। अरे वे देवी देवता लोग सब कर सकते हैं, हम तो यहीं सुखी हैं, बाबूजी, लल्ला जी और आपके साथ। तुम सब तो यहां सुखी हो, मैं वहां इलाहाबाद में बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूं। बड़ी याद आती है तुम्हारी। मैं समझ सकती हूं, मुझे भी कभी बहुत अकेला लगता है। तो फिर चलो ना इलाहाबाद कुछ दिनों के लिए, सही? ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, भाभी। जी लल्ला जी। बहुत भूख लगी है, बैठिए, खाना तैयार है। नहीं नहीं, अभी असली चीज तो आपने बनाई ही नहीं। वो क्या? ये लीजिए, ये अभी अभी शिकार करके लाया हूँ, पका दीजिए, मैं तब तक स्नान करके आता हूँ। आइए लल्ला जी। ये क्या है, दाल में घी तो है ही नहीं। लल्ला जी, घर में जितना भी घी था वो मैंने मांस में डाल दिया। क्या बात कर रही हो, परसों ही तो घी आया है। मुझे कुछ नहीं मालूम लल्ला जी, घर में जितना भी घी था वो मैंने पूरा का पूरा मांस में डाल दिया। कह तो ऐसे रही हैं जैसे मैके में घी की मानो नदियां बहती हैं। मायके की बात ना करो लल्ला जी, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ तो इतना घी रोज काम करने वाले ही खा लेते हैं। बहुत लंबी जबान है तुम्हारी, घी में तुम्हारा जबान खींच लूं। तमीज से बात करो लल्ला जी, मैं अकेली हूँ तो रोब गाड़ते हो, वो यहाँ होते तो मजा चखाते तुम्हें। इसकी धौंस पे है और तुझे दोनों को देख लूंगा। बहू ने 2 वक्त से रसोई नहीं पकाई है। ये औरत ऐसी घमंडी निकलेगी कभी सोचा भी नहीं था। वो तो दद्दा का ख्याल आ जाता है, वरना अब वो तो परसों आएगा, तब तक खाने का क्या किया जाए? क्या करना है हलवाई से कह देता हूं, उसकी औरत आके खाना बना जाएगी। ठीक है। अरे आज कुछ बदली से दिखाई दे रही है आसमान में। अरे ऐसी बात ना करो ठाकुर। क्यों भाई? अरे क्यों, क्या देख नहीं रहे हो, सारी फसल तैयार खड़ी है खेतों में कटाई के लिए। हाँ, सारी फसल मर जाएगी भैया, अत्यानाश हो जाएगा। तो सही कह रहे हो भैया, बहुत फिकर की बात है, हैं? जाएंगे कहाँ भी? हाँ, और वैसे ही अनाज का भाव। अरे श्रीकांत, आज तो भाई शाम आनंद आ जाएगा। अरे शरबत बनेगा शरबत। और सुनाओ भैया, क्या खबरें हैं शहर? अरे काका, शहर की खबरें तो वैसी ही हैं जैसी
पिछले सप्ताह थी। गांव की बताइए, रामलीला की तैयारी कैसी चल रही है? रामलीला? अरे हम क्या तुम्हें हनुमान दिखाई देते हैं बिटुआ? अरे बेटा, हम बूढ़ों को नाटक नौटंकी की बातें क्या मालूम, ये सब तुम जवानों को सुहाता है। सही। मुंशी जी आगे बढ़ाइए, तो दबा के ही बैठ गए इसको। ये सच है कि अंग्रेजों के पास दिमाग बहुत है, इसीलिए इतने सालों से वो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। शहर बिहारी जी, हम हिंदुस्तानी अपनी आपसी फूट के मारे मारे हुए हैं। जो हम एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने ना टिके। सत्य वचन पंडित जी, सत्य वचन। राम 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 राम। बेटा लाल बिहारी आओ। लाल बिहारी बेटा कैसे हो? सब मौज हो रही है ना? चलो खुश रहो बेटा। चलो भाई चलो, चलो, चलो। हाँ देर हो रही है। अच्छा ठाकुर जी। अच्छा ठाकुर साहब। नमस्कार। राम राम। क्या हो? क्या हाल है पहलवान? लाल बिहारी जी, सब ठीक तो है? अरे इसमें मुझे कुछ ऐसे क्यों लग रहे हो? नहीं भैया, सब ठीक है, बस आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो कहो। भैया भाभी को समझा लीजिए कि जरा जबान संभाल कर बात करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे हुआ क्या? लाल बिहारी ठीक कह रहा है बेटा, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। अगर वो बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी किसी नीचे खानदान के नहीं हैं। लेकिन आखिर बात क्या हुई? देखो बेटा, तुम सफर से थके मांदे आए हो, खा पी के आराम करो, सुबह इत्मीनान से बातें हो जाएंगी। जी बाबू। लाल बिहारी हुआ क्या? कुछ है ही नहीं हुआ, यूं ही यहां पे आप उलझ पड़ी। मैं क्या के सामने हमें तो कुछ समझती नहीं है ना, ऐसे व्यवहार करती है जैसे कहीं की महारानी हूं। समझाइएगा उन्हें। चित्त तो प्रसन्न है? चित्त तो प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? जिसने तुमसे ये आग लगवाई, मिले तो मुंह झुलस दो उसका। अरे अरे, इतनी गर्म क्यों होती हो? तनिक बात तो कहो, हुआ क्या? क्या कहूं, ये तो बस मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो वो गवार छोकरा जिसे चपरासी गिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता फिरता। खड़ाऊ से मारकर? आगे का हाल साफ साफ कहो। क्या बताऊं, परसों लल्ला जी आए थे, बोले कि भाभी मेरे लिए मांस पका दो। घर में कुल पाव भर से ज्यादा घी नहीं था, मैंने सारा का सारा मांस में दे डाला। खाना खाने बैठे तो बोले कि दाल में घी क्यों नहीं है, बस मेरे मायके को कोसने लगे, मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने कहा कि इतना घी तो हमारे वहां काम करने वाले ही खा लेते हैं। इतनी सी बात में उस अन्यायी ने खड़ाऊ मेरे सर पे दे मारे। मैं हाथ से न रोकती तो मेरा तो सर फूट जाता। ये देखिए।
उस छोकरे का यह दुस्साहस। बाबूजी, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। क्यों बेटा? मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, इस घर पर रहता नहीं। मेरे पीठ पीछे मेरी स्त्री पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। जुबानी की गई कड़ी बात की कोई चिंता नहीं, एक की दो कह लो मैं सह सकता हूं, पर यह बर्दाश्त नहीं कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। तुम तो काफी बुद्धिमान हो बेटा, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अरे स्त्रियां इसी तरह घर का नाश करती हैं, उनको अधिक से चाहना अच्छा नहीं होता। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हो। फिर आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव के कई घर संभले हैं। तो फिर अरे जिस स्त्री की मान मर्यादा के खातिर ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदायी हूँ, उसके प्रति ऐसा अमानुषिक व्यवहार मुझे सहन नहीं। सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया। अरे लाल बिहारी भाई है तुम्हारा, कोई गलती कर दो कान पकड़ो उसके। लेके लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। एक स्त्री की वजह से? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक की वजह से। क्या? है है है, बेचारा ठाकुर बेनी माधव सिंह। क्यों, क्या हुआ? आज ठाकुर साहब दालान में मिलने भी नहीं आए। अरे मिलने किस मुंह से आते हैं? तुम लोगों को कुछ पता नहीं हुआ क्या घर में? क्या, क्या? उनका बेटा है ना श्रीकंठ, आज सवेरे घर में उसने हंगामा कर दिया। पर हुआ क्या? भैया मेरी बीवी जो है वो बता रही थी कि श्रीकंठ की जो घरवाली है ना, क्या नाम है उसका, आनंदी ने घर के अंदर बगावत करा दी आज। बताओ, इतना पढ़ा लिखा, इतनी विद्या, इतना काबिल, इतनी ऐसी विद्या किस काम की? किताबी कीड़ा बन के रह गया। सही बात। नहीं नहीं, ये श्रीकंठ है ना, ये अपने बाप से दबता बहुत है, एकदम दब। भाई मैं तो कहता हूँ ये बेनी माधव सिंह एकदम मूर्ख है, अपने बेटे की सलाह के बगैर एक कदम भी आगे नहीं चलता। तभी तो नौबत यहाँ तक आ गई, लगता है बंटवारा होकर रहेगा। कितनी बुरी बात है, इतना नामी परिवार, इतना जान पहचान सारे गांव दियार में, और ये नौबत आ गई। क्या ये खबर गांव में पहुंच गई है? भैया जब हमको तुमको पता चल गया, आज नहीं तो कल पूरे गाँव को पता चल जाएगा। नहीं बाबूजी, इस विषय में एक बात नहीं सुनूंगा मैं। लाल बिहारी के साथ अब इस घर में एक पल नहीं रह सकता। बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। अरे वो नासमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े बनकर क्षमा कर दो, लेकिन इस घर को मत तोड़, वरना दुनिया क्या कहेगी? दुनिया जो चाहे कहे, लेकिन लाल बिहारी की इस दुष्टता को मैं कदापि क्षमा नहीं कर सकता। या तो वो इस घर में रहेगा या मैं, तय आपको करना है। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे जाने दीजिए, और यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे वो चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निर्णय है। Thank you.
भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। सुनिए, लल्ला जी बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? उन्हें भीतर बुला लो। आग लगी मेरी जीप को, न जाने कहां से मैंने झगड़ा लगवाया। उन्हें अंदर बुला लो। मैं ना बुलाऊंगा। भाभी, भैया को हमारा प्रणाम कह दीजिएगा। शकल देखने से मना किया है ना, इसलिए भीतर नहीं आ रहा। लल्ला जी, लल्ला जी रुकिए, रुको रुको लल्ला जी रुको। मुझे जाने दो भाभी। कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। और अगर हम ना जाने दे तो? आप लोगों में रहने योग्य नहीं हो। लल्ला जी, तुम्हें हमारी सौगंध अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है तो। जब तक भैया का मन हमारी तरफ से साफ नहीं हो जाएगा, हम लौट कर नहीं आएंगे। लल्ला जी, मैं भगवान को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। आपके मन में नहीं, लेकिन भैया भैया फिर कभी ना कहना मेरा चेहरा ना देखना। उसके अलावा कुछ भी डर दो, हमारे शर्म आपसे करा। ला, इन बातों को बिल्कुल भूल जा। ईश्वर चाहेगा तो फिर कभी ऐसा अवसर ना आवेगा। भाभी, लल्ला जी, ऐसी ही होती हैं बड़े घर की बेटियां, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। बाबूजी, श्रीकंठ, ताल बिहार। बाबूजी, नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो। लाल बिहारी, कुछ समझ में आया बेटा?